खबर चौटन से। कस्बे सहित आसपास इलाकों में तूफानी बारिश में पहाड़ों से आए पानी ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचा दी। बीती रात विरात्रा धाम में जबरदस्त बारिश से विरात्रा में बना बड़ा बांध पानी से लबालब हो गया। 24 घंटे में 30 mm बारिश दर्ज की गई। जगह जगह पानी भर गया और आधी रात तक बारिश से चौटन कस्बा सहित आसपास जगह तरबतर हो गई। कुछ स्थानों पर तो प्रशासन को अलर्ट होकर मौके पर पहुंचना पड़ा ताकि हालत बेकाबू होने से पहले सुरक्षा टीम को मौके पर बुलाया जा सके। सोमवार को चौटन कस्बे विरात्रा सहित आसपास के गांवों में रात करीब 10 बजे तेज हवा के साथ 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। विरात्रा मंदिर की पहाड़ियों से तेज गति के साथ बारिश का पानी बहकर आने लगा। तेज बारिश के कारण यहां नालों में उफान आ गया। पानी के बहाव से मार्ग में पड़ने वाले मंदिर की पार्किंग में खड़ी कार बह गई। कार पार्किंग से करीब 100 मीटर दूर गड्ढे में जाकर फंस गई। चौटन इलाके और विरात्रा में जबरदस्त बारिश के बाद जबरदस्त तरीके से तबाही मच गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी के साथ बह गईं, जिसके बाद सुबह से ही प्रशासन मशक्कत कर रहा था लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार सेना को बुलाना पड़ा। सेना ने रेस्क्यू की ऑपरेशन शुरू करके वाहनों को पहाड़ों के बीच से निकाला। अब देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से सेना के वाहन गाड़ियों को निकाल रहे हैं। अभी इस साल हर साल की भांति भादवा का मेला लग गया था। 18, 19, 20 को मेला बड़ा अच्छी तरह से सम्पन्न हो गया और वैसे तो यात्रियों की संख्या काफी कम रही, फिर भी आशा के अनुसार अच्छा मेला लगा था, यात्रियों ने दर्शन किए। लेकिन कल रात को तकरीबन 10 बजे के अचानक एक ऐसी भारी बारिश आई, जिसमें पानी बरसा और उसमें पर माता जी कृपा से इतने यात्री यहाँ पर ठहरे हुए नहीं थे, लेकिन कुछ यात्री ठहरे हुए थे, उनकी गाड़ियाँ वगैरह दुकानों के सामने नदी में खड़ी थी। हम लोगों ने उनको काफ़ी समझाइश किया, फिर भी वो कुछ गाड़ियाँ निकाली कुछ नहीं निकाली, फिर भी उसमें 4 गाड़ियाँ अंदर फंस गई थी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 गाड़ियों को तो रस्सों से बांध दिया था और एक गाड़ी जो ज़्यादा पानी का बहाव था, कम से कम 8 फीट का पानी चल रहा था, उसमें गाड़ी वो फंसी हुई थी। उसकी यात्री पहले उतर चुके थे और वो अपने सुरक्षित जगह पर पहुंच गए थे। वो गाड़ी का नुकसान हुआ, वो गाड़ी पानी में बह गई। इसकी सूचना हमने उपखंड अधिकारी चौटन महोदय को दिया और चौटन थाना में थानेदार साहब जो भुट्टा राम जी है उनको भी कर दिया, वो समय पर पहुंच गए। फिर भी पानी का इतना बहाव था, गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर हमने आर्मी को फ़ोन किया, आर्मी के यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार साहब आए और उन्होंने भी काफ़ी अपने जवानों के साथ में रात को सर्च किया, फिर भी वो गाड़ी नहीं मिली। लेकिन 2 घंटे के बाद में जब पानी का बहाव कम हुआ, पानी नीचे उतर गया, तो हमारे आदमी ने घूमते हुए उनको गाड़ी को